हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पतंजलि का शिशु केयर शैम्पू का रिव्यू। इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। मुझे लिंक मिल गया तो मैं डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है पतंजलि का शिशु केयर हेयर क्लिनज़र। देख सकते हैं आप पैकिंग कितनी अच्छी सी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा शैम्पू है इसके अंदर, देख पा रहे होंगे आप। प्लास्टिक की बोतल में आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है, देख सकते हैं बिल्कुल हैंडी बोतल है। ऊपर आपको कैप मिल जाती है जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इजली, और कैप अच्छे से बंद भी हो जाती है, तो मैं इस बोतल को ट्रैवल फ्रेंडली भी बोल सकती हूँ। तो पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों से भरपूर 100 ml क्वांटिटी है इसकी, और इसकी प्राइस है 80 rupees। 2 साल की शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है इस प्रोडक्ट में। अब बात कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने एलोवेरा, नीम, तुलसी, भृंगराज काफ़ी अच्छे वाले प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, जिससे कि बेबी के हेयर अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं SLES फ्री है ये। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने घृत कुमारी जूस, नीम एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट, भृंगराज, गुड़हल एक्सट्रैक्ट्स, तो काफ़ी अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ आप क्वांटिटी भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और बाकी की भी सारी डिटेल्स पैक पर इसके मेंशन की हुई है इन्होंने, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी अच्छे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं इस शैम्पू में इन्होंने। और पतंजलि वैसे भी ज़्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स में, तो इनके ये शिशु केयर वाली रेंज भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, कुछ बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हैं तो फिर ये वाला आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे घर में भी एक छोटा बेबी है, मैंने उसके ऊपर इसे 2 बार इस्तेमाल किया हुआ है, उसके हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे इसे लगाने से, कोई भी परेशानी नहीं हुई उसको। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। झाग भी अच्छे से देता है, जिससे काफ़ी अच्छे से बेबी के हेयर क्लीन हो जाते हैं, और स्मेल भी काफ़ी माइल्ड सी है इसकी, तो इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के बारे में छोटा सा रिव्यू। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।